नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद जिलानी और ऑप्शन डी ख्वाजा बाकी बिल्ला। सिलसिले पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। भक्ति आंदोलन के समानांतर जो मुस्लिम सूफी आंदोलन देखते हैं आप, उसमें ये पूछे जाते हैं। सल्तनत काल और मुगल काल तक विस्तार है पूरा का पूरा इसका। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक, अब जैसे नाम है आप देख पा रहे हैं कि ये सिलसिलों के भारतीय संस्थापक पूछे हैं। भारत में इन सिलसिलों का कौन संस्थापक था, इस तरह का प्रश्न है। आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। क्या आंसर है? बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण सिलसिले लिए, जैसे चिश्ती सिलसिला जिसके संस्थापक, मूल संस्थापक ख्वाजा अबू इशहाक सामी चिश्ती थे। भारत में इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला जिसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी और भारत में इसकी स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। वहीं कादरी सिलसिले की जो संस्थापक थे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जबकि भारत में शेख मोहम्मद जिलानी इसके संस्थापक रहे। नक्शबंदी सिलसिला भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा स्थापित किया गया, जबकि इसको मूलतः ईरान में शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा संस्थापित किया गया था। ठीक भैया, मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न अगर आप देखें, चिश्ती सिलसिला 3 अंकी प्रश्न में आ सकता है, लिख के दिया मैंने। इसी तरह से सुहरावर्दी सिलसिले पर भी 3 अंकी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह से कादरी सिलसिला भी 3 अंकी प्रश्न पूछा जा सकता है और नक्शबंदी सिलसिला भी। MPPSC पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास यूनिट 1 यूनिट का 2nd पार्ट कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, फिर डिटेल डाली गई है कि भैया 22 अप्रैल को ही क्यों मना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इस डे को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे अगर ये आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। भारत में अब तक कितनी बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा की गई है? प्रश्न इस तरह से है कि भारत में अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा हुई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार। इसका जो आंसर है वो है 3 बार। और ये कब हुआ है, देखिए, पहली बार भारत चीन आक्रमण के समय 1962 में, दूसरी बार भारत पाकिस्तान आक्रमण के समय 1971 में, और फिर तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में। फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और उसके बाद आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था शब्द। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों की बात हुई है और ये 3 तरह के आपातकाल की बात हुई है भारतीय संविधान में। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, है ना, इनका ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल 352 पूरा डिटेल दे रखा है, इसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम का भी उल्लेख, ठीक है, किया हुआ है। आंतरिक शब्द की जगह, आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह डाला गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, आंसर है 3 बार। ये मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान कौन कौन से, तो भाग 18 बताइए और 3 आपातकाल बताइए, 352, 356 और 360। 360 का प्रयोग अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, तो फिर आर्टिकल 352 पर चर्चा करनी है आपको, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पर भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव रक्त के संगठन में सबसे अधिक जो मात्रा है वो पानी की है, पर यहाँ पर पानी तो है नहीं, तो फिर आंसर क्या मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बात, आंसर है प्लाज्मा। मानव रक्त में लगभग 55% भाग पर प्लाज्मा और 45% भाग पर बाकी अन्य चीज़ें हैं।
प्लाज्मा के अंतर्गत 90% पानी मिलेगा और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। रक्त कणिकाओं में जो बाकी 45% है उसमें प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं जिसको RBCs बोलते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम WBCs बोलते हैं। तो मानव रक्त 55% प्लाज्मा, 45% रक्त कणिकाएं यानी कि RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में 90% पानी, 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व, ये कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स है ना, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स, ये कॉम्बिनेशन है, आप देखिएगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट। आंसर है डिंडोरी। डिंडोरी का जो जनसंख्या घनत्व केवल 94 है, डिंडोरी में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होंगे? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा या तेलंगाना? ये है हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित होंगे। ये कब हो रहे हैं? नवंबर दिसंबर 2021 पोस्टपोन हुए थे, 2022 में होंगे। सिंधिया वंश का वह शासक जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में सहभागिता की थी, चार नाम है। सिंधिया वंश का वह शासक जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में सहभागिता की थी वो कौन था? राणोजी सिंधिया, जयाप्पा जी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया या महादजी सिंधिया? सही आंसर आपका, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये है आपका महादजी सिंधिया। सिंधिया वंश का वह शासक जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में सहभागिता की थी वो है हमारे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने जानकोजी सिंधिया के पश्चात सिंधिया वंश की सत्ता संभाली 1761 में। जानकोजी की मृत्यु के पश्चात महादजी सिंधिया पानीपत के तृतीय युद्ध में सहभागिता करते। जानकोजी सिंधिया माना जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में ही मारे गए थे। कुछ स्रोत यह भी बताते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने सहभागिता की थी और उसके बाद में बगैर लड़े वहाँ से भाग लिए थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। महादजी सिंधिया पर टिप्पणी कीजिए, ये 5 अंकी प्रश्न है ना। महादजी सिंधिया सिंधिया वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, उसके बाद में उनका राज्याभिषेक और उनके बारे में 4-5 बिंदु और निष्कर्ष, ठीक है, ये लिख के दिया है पूरा का पूरा उत्तर, 5 अंक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में गोधारिन से क्या तात्पर्य है? गोधारिन मतलब कौन है? मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में गोधारिन से तात्पर्य है गुदना महिला कलाकार। मध्य प्रदेश में गुदना कलाकार महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। इसके बाद में श्रीमती VS रमा देवी के संदर्भ में सत्य कथन है जी, श्रीमती VS रमा देवी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, देश की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, दूसरा देश की अब तक की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल सभी चुनाव आयुक्तों में सबसे कम मात्र 15 दिन का ही रहा। देश की प्रथम चुनाव आयुक्त बनी श्रीमती VS रमा देवी, एकमात्र अब तक की, और इसके बाद में सबसे छोटा कार्यकाल 15 दिन का, 9वें क्रम की थी, कार्यकाल मात्र 15 दिन का रहा। भारतीय निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमीशन 9th नंबर की। VS रमा देवी पर 3 अंकी प्रश्न बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए आंसर लिख के दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ये आपके सामने प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल, शाजापुर, होशंगाबाद, खंडवा। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। बालकृष्ण शर्मा समारोह शाजापुर में। राजशेखर समारोह भोपाल। ध्रुपद समारोह भोपाल और केशव समारोह ओरछा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दी एप नाउ।